यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी के बाद माफियाओं पर एक बार फिर एक्शन शुरू हो गया है। प्रयागराज में पहली कार्रवाई ही बाहुबली नेता और सरकार द्वारा घोषित माफिया अतीक अहमद के घर पर की गई। विकास प्राधिकरण ने पिछली बार ही अतीक अहमद के पूरे घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद अतीक अहमद के परिवार ने इसी घर में टिन सेट डालकर छावनी बना ली थी और पक्का बाथरूम का निर्माण भी करा लिया था। योगी के सत्ता में वापसी के बाद आज विकास प्राधिकरण के अफसर फोर्स के साथ अतीक के घर पहुंचे और बाहर की अस्थायी बाउंड्री को गिरा दिया और घर के अंदर बने शेड और बाथरूम पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पीडीए के अफसरों का कहना है कि चुनाव के कारण कार्यवाही पेंडिंग थी, आज फिर से माफियाओं पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व में इनमें इस कैंपस में बड़े अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया है। अभी इधर इलेक्शन और इलेक्शन के दौरान शिकायत आई, संज्ञान में आया, हमारे जोनल अधिकारी हमारे क्षेत्र के आप हैं पास में, इन संज्ञान में आया तो कि यहाँ पर बाउंड्री वाल करीब 10 फीट की ऊंचाई में बाउंड्री वाल स्क्रीन से करते हुए अंदर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आने पर पता चला कि अंदर दो शेड का निर्माण किया गया है और अनुमन्य सीमा से अधिक बाउंड्री वाल की गई है, जिसको आज हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। क्या और लोगों को भी चिन्हित किया गया है? चिन्हित क्या, जो कार्यवाहियाँ अधूरी रह गई थी पूर्व में उनको किया जाना है, शासन की सरकार की मंशा के अनुरूप उसको किया जाना है और कोई भी इस सरकार का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी सामान्य और जनसामान्य और वो कार्रवाई से पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। जो माफिया हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, अवैध रूप से कमाई करके अवैध रूप से जो है लोगों को परेशान करके इस प्रकार के निर्माण जो है अवैध निर्माण किए हुए हैं और अपने हनक और शासन अपने हनक और उसका प्रयोग उपयोग करते हुए उसके बल पर किए हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।